Assalamualaikum. Today I'm going to give you a lecture on basics of graphic designing. So we will discuss Canva for today. So Canva basically is a publishing software platform जहाँ पर आप किसी भी तरह की social media marketing से related post design कर सकते हैं, YouTube से related उसके जो cover pages होते हैं वो design कर सकते हैं, logo designing का कोई भी concept हो आप वो design कर सकते हैं. इसमें आपके पास काफ़ी सारी variations होती हैं, काफ़ी सारी आपके पास choices होती हैं जिनको use करते हुए आप अपना जो आइडिया है वो अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को कन्वे कर सकते हैं. सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको क्रोम पे जाके होम पेज ओपन करना पड़ेगा कैनवा का, canva.com पे, और साइन अप करना पड़ेगा उसके ऊपर. ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो होम स्क्रीन आई है इसके ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड पर रिकमेंडेड फॉर यू में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं. जैसे अगर आपके पास कोई रिसेंट कुछ भी आपको टेम्पलेट चाहिए किसी से भी रिलेटेड, आप यहाँ पर सर्च पर जाकर टाइप कर सकते हैं कोई भी टॉपिक. जैसे अगर आपको कोविड पर कोई पोस्ट बनानी है या यूट्यूब से रिलेटेड इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट बनानी है किसी भी तरह की, वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं. कोई वीडियो बनानी है तो नीचे आपको कुछ उसके टेम्पलेट्स आपको डेमो में दिखाई भी दे रहे होंगे इसी के नीचे ब्लू जो बॉक्स बना हुआ है उसके नीचे. लेफ्ट साइड पे ऑल योर डिज़ाइन, यहाँ पर वो सारे डिज़ाइन आएंगे जो आप तक अभी आपने अभी तक रिसेंटली डिज़ाइन किए होंगे अपने कैनवा अकाउंट के ऊपर. और ऊपर क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑटोमेटिकली पहले से बिल्ट इन डिज़ाइन होंगे जो लोगों के लिए हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए हो सकते हैं, यूट्यूब के लिए हैं, और आप अपना खुद से भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं कस्टम डिज़ाइन पर जाके. आमतौर पर हम जो डिज़ाइन बनाते हैं वो 1080 के पोस्ट पे बनाते हैं. हमारा जो डिज़ाइन होता है उसकी विड्थ और हाइट हम 1080 रखते हैं. आप जैसे ही एंटर करोगे आपके पास एक होम पेज अपीयर होगा जो आपके डिज़ाइन आपका वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे कुछ टेम्पलेट्स आपको शो हो रही हैं. आप चाहें तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर कैनवा के अंदर. आपने कोई यहाँ से सिलेक्ट करनी हो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप खुद से कुछ आपके पास डिज़ाइन बने हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन भी बनाना चाहो, बैकग्राउंड सिलेक्ट करके उसमें अपनी मर्ज़ी से एलिमेंट्स वगैरह डालकर, डिफरेंट शेप्स डालकर, टेक्स्ट डालकर अपने इमेज को आप जितना क्रिएटिव बनाना चाहो खुद से भी बना सकते हो इन टेम्पलेट्स को यूज़ किए बगैर भी. ठीक है, उसके नीचे अपलोड्स का ऑप्शन आ जाता है. अपलोड्स में यहाँ पर आपके पास कुछ पहले से बिल्ट इन इमेजेस, ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी होती हैं. और आप अपलोड मीडिया पे क्लिक करके अपने जो डिवाइस है वहाँ से कोई चीज़ अगर आपने ऐड करनी हो वहाँ से आप वो ऐड कर सकती हैं. वो ऑडियो भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है, वो इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सही है, नेक्स्ट आ जाता है फ़ोटोज़ का ऑप्शन जो आप अपने बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट करना चाहो. कोई भी आप फ्लावर्स हो के या किसी भी तरह का आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट करना अपने पोस्ट से रिलेटेड. जैसे अगर यहाँ पर मैं किसी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी के लिए कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रही हूँ तो मुझे पता होना होगा कि मैंने मार्केटिंग के लिए क्या बैकग्राउंड रखना है. मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग का कोई बैकग्राउंड सिलेक्ट करना चाहती हूँ वहाँ से, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं. और आप ऑनलाइन भी कहीं से ले सकते हैं वो इमेज को. आपने जो रिसेंटली यूज़ इमेजेस किए होंगे वो आपके ऊपर टॉप पे आ रहे होंगे और जो ट्रेंडिंग में होंगे वो नीचे आपको शो हो रहे होंगे. आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं. एलिमेंट्स हैं इसके नीचे जिसमें आपके पास शेप्स होती हैं, फ्रेम्स होती हैं, लाइन्स होती हैं. आपने किसी भी तरह की कोई भी चीज़ इसमें यूज़ करनी हो अपने जो पोस्ट है उसको अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनाने के लिए आप यहाँ से वो यूज़ कर सकते हैं. स्प्लैश वगैरह होते हैं, ऐसे सर्कल है, अगर आपने कोई सर्कल लेना है सर्कल पे सिलेक्ट किया, शेप्स में जाके आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कलर का ऑप्शन आ रहा होगा टॉप पे जहाँ से आप इसकी शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं. सही है, फिर इसी तरह राइट टॉप पे ऊपर पोजीशन लिखा हुआ है जहाँ पर आप अपनी शेप की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. आपने उसको टॉप अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, बॉटम, राइट, जिस तरह से आपने अलाइनमेंट रखनी है आप उसको अलाइन कर सकते हो, इट्स अप टू यू. देन इसके साथ ही एक ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आपके पास कि आप अपने जो इमेज है या जो आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है आप उसको किस तरीके से थोड़ा सा ब्लर करना चाह रहे हो, थोड़ा सा उसकी ट्रांसपेरेंसी को किस तरीके से कम और इंक्रीज़ करना चाह रहे हो आप वहाँ से कर सकते हैं. उसके साथ आपके पास एक लॉक का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप उसको क्लिक कर दोगे तो आपका इमेज लॉक हो जाएगा. आप उसको ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते. अगर आपने जैसे अपनी कोई ऐसी पोस्ट बना रहे हैं जिसमें आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं एलिमेंट्स वगैरह वो फिक्स रहे और आपने बाकी पोस्ट के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आप जो है वो अपने बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको आप फिक्स कर सकते हो, लॉक कर सकते हो ताकि वो आपको डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करें आपके बाकी काम में. इसको दोबारा अनलॉक भी कर सकते हैं.
इसके साथ ही एक प्लस का सिंबल आ रहा है जहाँ से आप अपने डुप्लीकेट बना सकते हो उसी इमेज का या उसी शेप का जो आपने पहले सिलेक्ट किया है। कॉपी पेज भी हो सकता है और डुप्लीकेट भी हो सकता है। इससे होगा कि आपने जो साइज़ पहले डिफाइन किया होगा ये एग्जैक्टली उसी साइज़ को डुप्लीकेट बना के दे देगा। आपको बार बार साइज़ चेंज करना नहीं पड़ेगा। हो सकता है पहले मैं अगर साइज़ चेंज करूँ तो उसमें वेरिएशन जोर और विड्थ और हाइट में, और दोबारा से अगर मैं वही कॉपी पेज करके या दोबारा से शेप ऐड करके बनाऊँ और उसको रीसाइज़ करूँ तो वो वेरिएशन थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि आपकी जो शेप है उसकी विड्थ एंड हाइट जो है वो सेम रहे। डिलीट करना हो तो यहाँ पर डस्टबिन बनी आ रही है, वहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कोई आपने फ़ोटो यहाँ से ली है और आप उसको एज ए बैकग्राउंड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फ़ोटो पे क्लिक करके वो आपके ऊपर जो आपका कैनवास है उस पर आ जाएगी और राइट क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर तो आपके पास एक ऑप्शन आता है सेट इमेजेस बैकग्राउंड। पिक्चर पे राइट क्लिक करना है खुद ही से एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ एंड हाइट को जस्टिफाई करके किस तरीके से। अब हो सकते हैं आपकी इमेज पूरी बिल्डिंग की हो और वो जब इसको इस पर एडजस्ट करे तो वो उसमें थोड़ा सा क्रॉप हो जाए विड्थ हाइट को कट करके, तो आप देख सकते हैं अगर आपके वो आपके लिए वो सूटेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको क्रॉप करके फिर से उसको सेट इमेज कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड। यहाँ पर इसको भी क्लिक करके आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं। वही जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे हैं। अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है जब आपने टेक्स्ट लिखने होते हैं तो यूजली हमारा होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो आपकी ऑडियंस को और आप जो मैसेज देना चाह रहे हो वो ईजिली रीडेबल हो। सही है। अब इमेज के साथ जब आप इमेज पर क्लिक करेंगे ऊपर आपके पास इफेक्ट्स का एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप अपने जो एक सबसे पहले आपके पास होता है बैकग्राउंड रिमूवर। अगर आपने अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई लोगो लगाना चाह रही हूँ और वो मेरे पास PNG फॉर्मेट में नहीं है तो मैं यहाँ से इजीली उसको रिमूव कर सकती हूँ बैकग्राउंड रिमूवर पर जाकर। फिर इसके साथ ही फ़िल्टर्स हैं, आप अपने जो पिक्चर एडिटिंग वगैरह में फ़िल्टर यूज़ करते हैं सेम एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी पिक्चर्स के रिलेटेड जो है आपके पास फ़िल्टर्स हैं डिफरेंट कलर्स में वेरिएशन आपके पास आप वो यूज़ कर सकते हैं। एडजस्ट में जाकर आप उसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट और सेचुरेशन को या ब्लर करना चाहें तो आप यहाँ से चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। क्रॉप है, क्रॉप में आप अपने इमेज को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली क्रॉप करके उसको एज अ इमेज जो है वो आप बैकग्राउंड के तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया ऐसे बिल्डिंग थी पूरी बिल्डिंग नहीं आ रही थी, आप क्रॉप करके आप पोजीशन सेट कर लें जिस पोजीशन में आपने अपने इमेज को एज अ बैकग्राउंड लगाना है और वो क्रॉप करके आप डन कर देंगे तो आपका जो इमेज है वो एज अ बैकग्राउंड आपके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर सेट हो जाएगा। देन फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है, फ्लिप में हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा उस वर्टिकली फ्लिप कर देगा उसका जो मिरर है वो बना देगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद एनिमेट है, अगर आपने कोई टेक्स्ट डाला है आप चाहते हैं कोई एनिमेशन हो जाए जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट के ऊपर इसी तरीके से आप यहाँ पर कैनवा के ऊपर भी प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं कि आपके बम्प करके आ रहा बाउंस होकर आ रहे हैं किसी भी तरह से आपका जो टेक्स्ट है या कोई भी एलिमेंट आपने डाला हुआ है तो आप यहाँ से एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो कोई चीज़ जो आपको समझना आई हो? अच्छा, एलिमेंट्स में आपके पास शेप्स भी हैं डिफरेंट और इसके अंदर फ्रेम्स भी हैं। शेप्स और फ्रेम्स में आप फ्रेम सिलेक्ट करके आपने कोई इमेज है उसके अंदर ऐड करना तो आप जस्ट ऑटोमेटिकली जब उसके ऊपर लेकर आएंगे तो उसके अंदर फिट हो जाएगा। अगर आप एक सर्कल का फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और कोई इमेज है वो रेक्टेंगल किसी भी तरह की होगी जैसे ही आप उसके ऊपर लेकर आएंगे इमेज को ड्रॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट हो जाएगा उस सर्कल के अंदर। तो फ्रेम्स हम बेसिकली पिक्चर्स को उसके अंदर एम्बेड करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप एक फ्रेम सिलेक्ट करें और फोटोज़ में जाके कोई भी फ़ोटो उस उठाएं और उसको उसके अंदर ड्रॉ कर देंगे तो आपके वो सर्कल के अंदर एम्बेड हो जाएगा जी। नीचे फ्रेम्स हैं, स्टिकर्स हैं, कोई भी एनिमेटेड टाइप स्टिकर्स आप ऐड कर सकते हैं और नीचे आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं एलिमेंट्स में ही आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में अगर आपने हेडिंग ऐड करनी है उसके लिए आपके पास बोल्ड में और नीचे सब हेडिंग्स के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट साइज़ के टेक्स्ट हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अपना जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास
फॉन्ट साइज और उसका फॉन्ट स्टाइल भी आ जाएगा, बोल्ड जो टेक्स्ट जो जिस फॉन्ट आपके पास बोल्ड में अवेलेबल होगा वो बोल्ड आप कर सकते हो, जो नहीं होगा वो आप उनको नहीं कर सकते। अलाइनमेंट है फॉन्ट की, आपने अपने जो टेक्स्ट है उसको राइट पे लाइन करना है, सेंटर पे लाइन करना है, लेफ्ट पे लाइन करना है, किस तरीके से लाइन करना है आप वो भी कर सकते हैं। आपने कोई बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बुलेट्स में आप डाल सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, कोई लिस्टिंग करनी है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी स्पेसिंग, लेटर की लाइन की स्पेसिंग आपने इंक्रीज़ करनी है, वर्ड्स के दरमियान में जाते हैं डिफरेंट स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है आप वो भी कर सकते हैं, कम करनी है वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन सेम आप इफेक्ट्स जो है आपके पास टेक्स्ट के ऊपर भी आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा आपका जो टेक्स्ट होता है वो कर्व में लिखा हुआ आ रहा होता है, आपके जो लोगोज़ वगैरह होते हैं उसमें बैज हो और बैज के ऊपर ऐसे कर्व शेप में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था, आप बिल्कुल वैसे यहाँ से कर्व में जाकर अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं। फिर उसको आप जो नीचे आपके पास एक लाइन नज़र आ रही होगी पर्पल की, उसको चेंज करके आप अपने टेक्स्ट का जो कर्व साइज होगा वो भी चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से आपने चेंज करना है वो कर सकते हैं। टेक्स्ट की आप पोजीशन पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। देन इसके बाद ऑडियोज़ हैं, आपने कोई वॉइस ओवर लगाना है, वीडियो बनाई है आपने, उसके ऊपर आप अपने कोई ऑडियो डालना चाहते हैं आप वो यहाँ से ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, कुछ आपके पास पहले से हैं और अगर आपने अपलोड करनी है अपने पीसी आपके पास हैं तो आप वो अपलोड में जाकर ऑडियो या वीडियो या आपके पास जो इमेज है वो आप इंसर्ट करा सकते हैं। वीडियो सेम आपके पास जो ऑनलाइन वीडियोज़ आपके पास है किसी भी तरह की आपने चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपने जो शेप डाली हुई है उसके अंदर आपकी वीडियो चले या फ्रेम के अंदर चले तो आप फ्रेम लें और वीडियो यहाँ से लें, अगर आपको ऑनलाइन कोई अवेलेबल है आप वहाँ पे जाके एम्बेड कर देंगे वो आपकी शेप के अंदर खुद से ही उसको जस्टिफाई कर देगा, और अगर आपके पास ऑनलाइन आपको सूटेबल नहीं लगी तो आप खुद से भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड है आपके पास कुछ अवेलेबल है यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट करने हो, लैंडस्केप पोर्ट्रेट हर तरह के अगर आपको सूटेबल लगता है जो आप पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पर अवेलेबल है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कुछ साइट्स हैं जहाँ पर आपके पास HD क्वालिटी में इमेजेस मिलते हैं, इसमें अनस्प्लैश और फ्री पिक वगैरह ये इन चीज़ों से आप यहाँ से अपना डाटा जो है वो ले सकते हैं। काम हो जाने के बाद आपके पास ऊपर शेयर के साथ एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से आप अपने साइज़ को इंक्रीज और चेंज कर सकते हैं, 1 पे होता है आप 3 पे लेके जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हमें नहीं चाहिए होता बैकग्राउंड, ना हमने फाइल को कंप्रेस करना होता है, PNG फाइल में ही रखना होता है और आपने इसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना होता है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो आपका जितना भी काम होगा वो सारा वो जो आपके रिसेंट वर्क्स होंगे आपको शो होगा जो आपने डिज़ाइन अभी तक आपके बनाए होंगे।